कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने के साथ ही बाजारों में मास्क और सैनिटाइजर की भारी कमी हो गई, जिसके बाद जमाखोर भी सक्रिय होकर मास्क की कालाबाजारी कर रहे हैं। बाजार में मास्क की कमी को पूरा करने के लिए उन्नाव जेल के अधिकारी ने बेड़ा उठाया और जेल में बंद बंदियों की मदद से अब जेल में ही मास्क का निर्माण कार्य शुरू करवाया। जेल अधीक्षक एसके सिंह की प्रेरणा से जेल में बंद एक दर्जन से ज़्यादा बंदी अब मास्क बनाने में लग गए हैं। जेल में बनी सिलाई फैक्ट्री में लगी 10 सिलाई मशीनों का प्रयोग कर 2 अलग अलग तरह की क्वालिटी के मास्क बनाने का काम किया जा रहा है। जेल में प्रतिदिन 400 मास्क बनाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ने के साथ ही बाजार में मास्क की उपलब्धता में आई भारी कमी को दूर करने के लिए जेल अधीक्षक ने एक प्रयास किया। जेल अधीक्षक ने बताया कि हमारा प्रयास है कि सबसे पहले मास्क बनाकर हम अपने सभी बंदियों को 2-2 मास्क उपलब्ध करवाएं, उसके बाद जनपद में मास्क की आपूर्ति कराई जाए। कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने के साथ ही बाजार में भारी मात्रा में मास्क की कमी आई है, जिसे पूरा करने के लिए हमारी जेल में एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। जेल अधीक्षक ने बताया कि हमारी जेल में बंदियों के द्वारा 2 तरीके के मास्क बनाए जा रहे हैं। एक मास्क पूरी तरह के सूती कपड़े का बनाया जा रहा है, वहीं दूसरा मास्क सूत के कपड़े से बनाया जा रहा है। जिला जेल के इन बंदियों द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास कोरोना से लड़ने की मील का पत्थर साबित होगा। और बंदियों के सहयोग से जहाँ पे मास्क भी बनाए जा रहे हैं, तो किस तरीके से अवेयरनेस आई और कितने मास्क लगभग प्रतिदिन तैयार किए जाते हैं? ये हमारे बंदियों को मैं इनको साधुवाद कहूँगा, इन्होंने जो है ये चीज़ पहले प्रपोज की जो है कि सर जेल में ही बनाए सकते हैं, तो हम लोग ने इसको जो ट्रायल किया, हमारे डीजी साहब ने इसको बहुत अप्रिसिएट किया है कि सभी जेलों पर ये इस तरह के मास्क बनाए जाएँ, तो उन्होंने स्टार्टिंग की और हम लोग ने सहयोग किया और बाहर के लोगों ने भी बहुत हमारा सहयोग किया इसमें। तो उन्होंने कई तरह के जो है 3 ट्रिपल लेयर्ड भी मास्क बनाए हैं, जिनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है और कोई रीयूजबल हैं। कुछ हमने जिला प्रशासन को भी इसमें जो है डोनेट किया है, पुलिस प्रशासन को भी डोनेट करना है मुझे, कल तक 100 उनको भी देना है। तो मेरी जितनी वो है क्षमता हम लोग कर सकते हैं, और जो है अगर भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी तो जो है शासन में भी इसकी डिमांड की गई है, तो हम वहाँ बना के उनको भी सप्लाई करेंगे।